सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू कंफ्यूजन ऑन व्हील्स। मैं तुषार यूपी 78 से। सो जैसे कि आज मैं एकदम रेडी हूँ और आज नया एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, एक बेस्ट लोकेशन है कानपुर की। आई होप सभी लोग वो लोकेशन पहले विजिट कर चुके होंगे, लेकिन जिसने नहीं विजिट किया तो वो लोकेशन आज मैं आपको घुमाऊंगा। और तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। हालांकि मैं जाने कोई प्लान नहीं था ऐसा, लेकिन अभी मेरे पास एक काम भी आ गया था। ये पीछे खड़े हैं पुष्पेन भाई, हेलो। और इनको इनके घर पे ड्रॉप करना है पहली बात तो, और रास्ते में वो लोकेशन पड़ती है, काफ़ी फेमस लोकेशन है कानपुर की। तो चलते हैं, निकलते हैं, इनको घर के लिए ड्रॉप करेंगे। पहले नहीं, इनको भी साथ में लोकेशन पे लेके चलेंगे, साथ में घूमेंगे फिरेंगे, और फिर इनको उसके बाद इनके घर ड्रॉप करेंगे। तो चलिए निकलते हैं। और जैसे कि आज मेरी 100/350 मैंने फिर से एकदम साफ सुथरी करके चमका दी है, तो फटाफट से चलते हैं नीचे और इन्जॉय करते हैं, चेक करो। और ये रही 100/350 फाइनली एकदम न्यू ब्रांड। और ये हैं हमारे पुष्पेन भाई। गाड़ी तुम चलाओ, मैं चलाऊं? नहीं, हम नहीं चलाएंगे। चलो चलते हैं, बाय बाय, सी यू सून। चलो फटाफट। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, और जन्नत दिखाऊं, ये चेक करो गाइस, श्री बालाजी मंदिर है। और फटाफट से चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं अंदर का व्यू क्या सीन है, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। गाड़ी हमने पार्किंग पे लगा दी है, तो चलते हैं फटाफट से अंदर। हम लोग एंटर कर चुके हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये है चरण पादुका स्थल। और यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह उतार करके यहाँ पे रखने होते हैं, फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करना होता है। तो फटाफट से चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं भगवान बालाजी के। अभी चल रहे हैं हम लोग मंदिर की तरफ, और यहाँ पे चेक करो गाइस, ये कारपेट वगैरह भी छाया हुआ है, और कारपेट के ऊपर ऊपर चल के हमें मंदिर की ओर प्रस्थान करना है। और सामने दिख रहा है आपको संत सदन, आई थिंक इसके अंदर संत वगैरह रहते होंगे। और ये चेक करो गाइस, मंदिर अंदर से कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और दर्शन करने तो अभी बाकी। फटाफट से चलते हैं ऊपर, फूल तोड़ना सख्त मना है जैसा कि। फटाफट से चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं श्री बालाजी के। चेक करो गाइस, ये मंदिर कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और आई थिंक बहुत लोग आए भी होंगे यहाँ पे पहले, और जिसको मंदिर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बता देना, और लोकेशन कहाँ की है ये भी कमेंट करके बताइए कहाँ पे है ये मंदिर। मंदिर के अंदर आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे अभी मंदिर में भगवान जी के दर्शन नहीं होंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, तो पर्दा हटने का वेट करेंगे और उसके बाद ही दर्शन हो पाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, और साइंस कितना आगे बढ़ गया ये आपको पता चलेगा। ये चेक करो गाइस, ये है ऑटोमेटिक नगाड़े बोलते हैं इसको, और इस पर सिर्फ क्या है, प्लग लगाना और ऑन कर देना, और ये बजने लगेगा ऑटोमेटिक घंटी, और ये नगाड़े वगैरह बजने लगेंगे। तो ये कैसा लगा कॉमेंट करके बताना, और व्यू चेक करो गाइस, भाई साहब एक नंबर व्यू आ रहा, मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, बहुत ही ज़्यादा शांति है। और ये चेक करते रहो गाइस, और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, आप देखो और समझ जाओगे क्या है ये चीज़। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का सिद्ध श्री बालाजी मंदिर आगमन सोमवार 25 फरवरी 2019। और फोटोज़ वगैरह भी लगी हुई यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, और योगी जी हैं, और सतीश माना वगैरह भी हैं, तो ये चेक कर सकते हो गाइस। और फटाफट से मंदिर के पर्दे हटने का वेट करते हैं, और उसके बाद ही दर्शन करेंगे श्री बालाजी के। जैसे कि आज है मंडे, और इस मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ जो होती है वो होती है ट्यूसडे को, मंगलवार को। तो आप ट्यूसडे को आइए, ज़्यादा मज़े आएंगे आपको। और उससे पहले अभी जब तक मंदिर के जो पर्दे हैं वो नहीं हट रहे हैं, जब तक दर्शन नहीं हो रहे तब तक हम लोग मंदिर का व्यू लेते हैं, घूमते हैं चारों तरफ, देखते हैं क्या क्या है, क्या सीन है। अभी मैं मंदिर की परिक्रमा कर रहा था, और मुझे एक चीज़ दिखाई थी, और इसमें चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट मंत्र वगैरह लिखे हैं। ये दोहा है, चौपाई, आई थिंक चौपाई लिखी हुई है, चारों तरफ मंदिर के लिखी हुई है।
तो अच्छी अच्छी चौपाइयाँ लिखी हैं, आप आके इनको पढ़ के समझ सकते हैं। मैंने एक चौपाई पढ़ी थी अपने क्लासेस में, मैं वो वाली आपको दिखाता हूँ पहले, तो सामने लिखी हुई है वो, चेक करना। इधर पे लिखा हुआ है, ये वाली चौपाई मैंने पढ़ी थी, चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने मूक पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तो ही पाई। भाई इसका अर्थ क्या है पता नहीं लेकिन अच्छा लिखा है। और इधर पीछे का व्यू देखो आप, यहाँ पे सारे खेत वगैरह हैं और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का। तो वेट करेंगे, जैसा कि दर्शन तो करके ही जाने आज, तो वेट कर लेंगे थोड़ी देर का और फिर दर्शन करके यहाँ से निकलेंगे घर के लिए, तो वेट करते हैं। तो अभी ये चक्कर होगा, सामने एक और मंदिर दिखाई दे रहा है, छोटा सा मंदिर है, और फटाफट से वहाँ पे चलते हैं और दर्शन करते हैं चल के, इसके अंदर कौन से भगवान जी हैं अभी तो पता नहीं है। फटाफट से नीचे चलते हैं यहाँ से, और वो चेयर्स वगैरह पड़ी थोड़ी सी स्टाइलिश चेयर्स है, तो मैं सोच रहा हूँ एक आधी फोटोज वगैरह क्लिक करा लेते हैं। और ये देखो गाइस, ये गुल्लक बना हुआ है गुप्त सेवा, यहाँ से आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा चिल्लर हों यहाँ पे आप सेवा कर सकते हो। तो श्री राम दूतम सरलम प्रपद्ये, और चलते हैं फटाफट से नीचे। अभी मैं नीचे उतर गया और ये चक्कर होगा इस, और यहाँ पे मनोकामना पूर्ति घंटा स्थल, यहाँ पे जो लोग मनोकामनाएं करते हैं तो वो लोग एक घंटी दान करते हैं, बांधते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके भाई, आज मन खुश हो गया मतलब। तो फटाफट से चलते हो छोटे वाले मंदिर के पास और दर्शन करते हैं, देखते हैं श्री अचलेश्वर महादेव बाबा है वो, तो फटाफट से चलते। देखो यहाँ पे नाम दिख रहा, श्री अचलेश्वर महादेव बाबा, तो फटाफट से चलते और दर्शन करते हैं महादेव बाबा के। फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास में, और ये चेक करोगे यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पर्दा नहीं है, तो हम दर्शन कर सकते हैं भगवान महादेव के। और यहाँ पे नंदी बाबा विराजमान हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और ये चेक करो, और बाबा शिव के दर्शन कर लो सभी लोग। तो भाई साहब बाबा शिव के दर्शन तो हो गए हैं, और मैं मंदिर के चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी छाया भाई, तो गर्मी नहीं लग रही ऊपर, तो वहाँ पे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और भाई डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है भाई, नक्काशी की गई है पत्थर पे, आप देख सकते हो चारों तरफ। और पुष्पेंद भाई क्या फ़ोटो वगैरह खिंचाने का प्लान है क्या तुम्हारा? आओ मैं फटाफट से तुम्हारी फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ, ठीक है? और अभी दो चार फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं, फिर तब तक मंदिर का जो पर्दा वो भी हट जाएगा, फिर अंदर वाले भगवान जी के भी दर्शन करेंगे। तो फाइनली अभी इंतजार की घड़ी खत्म हुई, अभी वो समय आ चुका है जब हमें दर्शन मिलेंगे श्री बालाजी सरकार के, तो फटाफट से चलते हैं और दर्शन करते हैं श्री बालाजी सरकार के। और चेक करो गाइस, सारे पर्दे वगैरह हट चुके हैं, और चलते हैं फटाफट से। सामने ये जो मंदिर है ये मेन मंदिर है श्री बालाजी सरकार का, और काफ़ी सारे लोग हो गए अभी दर्शन करने वाले। तो फाइनली सभी भगवानों के दर्शन कर लिए हमने, और आई थिंक आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए श्री बालाजी सरकार के, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें कंपोजी ऑन व्हील्स। और कानपुर का कोना कोना घुमा दूंगा आपको गाइस, कानपुर में कोई भी लोकेशन बचेगी नहीं जो आपको दिखे ना मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो कानपुर का एक एक कोना देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना, और लाता रहूँगा ऐसे ही मस्त मस्त ब्लॉग। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, और जय श्री बालाजी सरकार।